बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आई हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई नई रेसिपीज़ आपके पास आती रहें। आज हमने बनाया है ग्रीन अरवी गोश्त। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 250 ग्राम हमने गोश्त लिया है, 5 से 6 अदद हमने प्याज लेके कटिंग कर ली है हमारी 2 प्यालियों में। आइए देखें आप, 10 से 15 अदद हरी मिर्चें, लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून, धनिया 1/2 टीस्पून और हसब जायका नमक। अब पैन को हम चूल्हे पर रखेंगे। इसमें 4 बड़े खाने के चमचे ऑयल जाएगा। इसमें ऑयल ज़्यादा डलता है और इसमें हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा डलती हैं। अब प्याज को हम पिंक करेंगे, जैसे हल्की गोल्डन हो जाती है सालन के लिए। ये देखें, इसको भूनते रहें। ये देखें, ये इतनी भून चुकी है। अब इसमें हम गोश्त डालेंगे, गोश्त भूनेंगे और फिर लहसुन अदरक डाल के भूनेंगे। ये गोश्त भून रहा है। अब इसमें लहसुन अदरक जाएगा। ये थोड़ा और भुनेंगे हम। अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आपको बहुत ज़्यादा लग रही होंगी, लेकिन ये ग्रीन बनता है तो इसमें हल्दी नहीं डालते, इसमें हरी मिर्च ही ज़्यादा डालते हैं, उसकी बीज निकाल लेते हैं बिल्कुल। धनिया और नमक जाएगा इसमें। हरी मिर्चों के बीज से तेज़ी होती है, तो आप प्लीज़ वो निकाल लीजिएगा कटिंग करते वक्त। अब पानी डाल के ढक देते हैं इसे गोश्त गलने तक। अब देखें, गोश्त हमारा गल चुका है, तो हमने इसको भून लिया है सारा। देखें, अब इसमें अरवियाँ जाएंगी। हमने 1 पाव तकरीबन अरवियाँ ली हैं। अब पानी डाल के अरवियों को गलने दें। ये बहुत मज़े का बनता है, आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी अरवियाँ गली नहीं है, थोड़ी देर और पकाएंगे। अब देखें, ये गल चुकी हैं, इसको हम डिश आउट करते हैं। ग्रीन ग्रीन कितना खूबसूरत लग रहा है। जो लोग शोरबे वाला सालन नहीं खाते, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। सेहत भी है, सब कुछ है इसमें, और गर्मियों की सौगात भी है अरवियाँ। तो आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। Love is.